भाई बहन का अटूट बंधन, एक भावुक कहानी। एक छोटे से गांव में रवि और उसकी बहन पायल रहते थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन गए। रवि बड़ा था, इसलिए उसने हमेशा पायल का ख्याल रखा जैसे एक पिता करता है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास जो था वो एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास था। रवि दिन भर खेतों में मेहनत करता ताकि पायल की पढ़ाई जारी रह सके। पायल पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपने भाई का सपना पूरा करने की सोचती। वह जानती थी कि उसका भाई उसके लिए अपना हर सपना कुर्बान कर चुका है। वक्त बीतता गया और पायल ने गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी मेहनत और भाई के सहयोग से उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन ये बात रवि के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पायल को शहर भेज सके। एक दिन पायल ने अपने भाई से कहा, भैया मुझे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं रहकर पढ़ाई कर लूँगी, आपको और मेहनत नहीं करनी चाहिए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पायल को गले लगाते हुए कहा, पायल यह मौका तुम्हारे लिए है। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने गांव के लोगों से उधार लिया और पायल को शहर भेज दिया। पायल ने शहर में भी बहुत मेहनत की और पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन गई। जब वह वापस गाँव आई तो पूरे गाँव ने उनका स्वागत किया। उस दिन पायल ने रवि के पैर छूकर कहा, भैया आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, आपने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अब मेरा सपना है कि आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिले। रवि ने पायल को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है पायल, तुझे सफल देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। इस तरह भाई बहन का यह अटूट रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया, जहाँ प्यार, त्याग और समर्पण की सच्ची भावना देखी जा सकती थी।